चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इसलिए एक तरह से एक सामाजिक आंदोलन के रूप में आज हम उनको याद करते हैं, उनकी स्मृतियों का ध्यान करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। 13 महीने आपने आंदोलन किया, लेकिन ये सरकार फिर दोबारा झूठ बोल के आपको लौटाने का काम कर, भाई घर लौट जाओ, गांव लौट जाओ, तुम्हारा काम तो हुआ पड़ा है। तो सरकार आपको धमकी दे रही है कि किसान आपकी ट्रॉली भी सीध होगी, 10,000 रुपए का जुर्माना भी होगा। चुनाव आया, इन्होंने कहा, अमित शाह जी ने कहा, किसान पे बिल नहीं आएगा, एक भी बिल किसान पे आएगा नहीं। अब कह रहे हैं बिजली पे हम कोई राहत किसान को नहीं देंगे। बुजुर्गों का नमन करता हूँ, सामने मेरे पूरा कुनबा परिवार बैठा है, हम लोग यहाँ सम्मिलित हुए हैं क्योंकि आज एक विशेष तारीख, आज एक जश्न सा माहौल दिखाई दे रहा है। कष्ट तो बहुत है किसान के लिए, किसान का तो जीवन संघर्ष का है, हमेशा ही रहा, आज भी है, लेकिन कुछ ऐसे मौके होते हैं कि हम लोग खुशी मना सकते हैं और आज ऐसी ही तारीख है। मैं समझता हूं कि जब तक इस तारीख का महत्व तब तक रहना ही चाहिए जब तक इस देश में, ग्रामीण भारत में, ग्रामीण समाज के आगे जब तक समस्याएं सारी हल नहीं हो जाती तब तक ये तारीख हमें याद रखनी चाहिए। क्योंकि बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी का नाम लेते ही गांव का आदमी ये विश्वास करने लगता है कि मैं अपनी सरकार से, अपने जनप्रतिनिधि से मांग सकता हूं, ले सकता हूं, अपने समाज का जो दायित्व मेरे कंधों पर है उसे निभा सकता हूं। यह आत्मविश्वास की भावना जगाने का श्रेय जो बाबा टिकैत जी ने आंदोलन की शुरुआत की उसे दिया जाता है। मेरे लिए वो मेरे अपने घर के जैसे बुजुर्ग होते हैं, मेरी याद, उनकी याद मेरे मन में आज है, जिनको मैं सजो के जीवन भर रखूंगा। बहुत लोगों के लिए वे आदर्श थे, क्रांति की चिंगारी थे, धरती पुत्र, और एक व्यक्ति तक उनको सीमित नहीं कर सकते क्योंकि आप सबका सहयोग उनको था। इसलिए एक तरह से एक सामाजिक आंदोलन के रूप में आज हम उनको याद करते हैं, उनकी स्मृतियों का ध्यान करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। आप सब जो वहां बैठे हो, आज पीछे मुड़कर अपने जीवन में आप गौर करोगे, देखोगे, जो उस समय बुजुर्ग थे वो तो कम ही होंगे आज, लेकिन जब आंदोलन की शुरुआत हुई जो जवान थे, याद करो वो दिन, याद करो वो पल, आपके जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा आपने उनको दिया। और कैसी मासूमियत थी, मासूमियत ही कहोगे उसको, भावना को, कि बाबा डकैत ने कहा कि बैठो और सारे काम छोड़ के, परिवार छोड़ के, अपने जिम्मेदारी छोड़ करके आप लोग उसमें जुटे, ये मासूमियत थी, ये एक ईमानदारी थी, ये एक जुनून था। आज भी अगर पूरे देश में कोई ऐसा समाज है जो इतना मासूम मुझे दिखता है, जो अपने व्यस्तताओं को छोड़ के अपनी जीवन की सारी चीजों को भुला करके विश्वास करना जानता है, क्यों, जो आदमी दूसरे पे विश्वास नहीं कर सकता, जो आदमी बड़ों का आदर और सम्मान नहीं कर सकता, जो पगड़ी का सम्मान नहीं कर सकता, वह कमजोर होता जाता है। लेकिन मासूम और ईमानदार गांव का आदमी आज भी मुझे दिखता है कि अगर समाज के लिए कुछ करना, मरने की बात हो तो किसी से पीछे नहीं। ऐसे ग्रामीण समाज के एक बड़े नेता रहे बाबा महेंद्र सिंह टिकैत को मैं श्रद्धांजलि देने आया हूं और इस मंच पे आया हूं। आज भी वो ईमानदारी, वो मासूमियत गांव के लोगों में है, एक दूसरे का सहयोग करने की भावना है, और नहीं होती तो सारे अपने विवाद भूल करके आप लोग क्या 13 महीने इतनी ताकतवर सरकार के विरुद्ध लड़ाई लड़ सकते, संभव नहीं था। शायद 35 साल बाद ऐसा आंदोलन देश ने दोबारा देखा, ऐसा माहौल देश ने देखा। हम तो बटे पड़े हैं, गांव में कुछ व्यवस्थाएं अच्छी होती हैं लेकिन कुछ परंपराएं
जो पुरानी चली आ रही हैं, उन कारण से शोषण भी होता है, उस कारण से बंटवारे भी जिंदा रहते हैं। आज भी जाके गांव में जाके देखेंगे तो वाल्मीकि का मोहल्ला अलग होगा, जाटों का मोहल्ला अलग होगा, चौपाड़ अलग होंगी, कभी कभी तो इकट्ठे बैठ के बात करते हैं। कुछ गांवों में आज भी मैं देखता हूँ, महसूस करता हूँ कि बढ़िया माहौल है, जब गांव का फैसला करना होता है वो इकट्ठे बैठते हैं, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं अभी भी बंटवारे की चल रही है। लेकिन ये जो आपने आंदोलन छेड़ा, क्यों? कुछ सवाल किसान का था, सवाल किसान के अस्तित्व का था, और किसान के नाम पे, किसान मजदूर के नाम पे गांव के सारे लोग इकट्ठे हो गए, यही आपकी मूल ताकत है। जब हम बाबा टकैत जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, हमें ये भी तो याद करना चाहिए वो कैसे इतने ताकतवर बने, क्या खूबियां थी उनके अंदर, कैसे जोड़ लिया उन्होंने लोग, उनके कहने पे कैसे हम लोग जुड़ जाते थे, आज क्यों नहीं जुड़ पा रहे। ये वो तारीख है कि हम इन सब चीजों पे सोच विचार करें, कहां कैसे कमजोरी आई। आज कोई लड़ाई छोटी नहीं है, 13 महीने आपने आंदोलन किया, लेकिन ये सरकार फिर दोबारा झूठ बोल के आपको लौटाने का काम, कि भाई घर लौट जाओ, गांव लौट जाओ, तुम्हारा काम तो हुआ पड़ा है, और लोगों को मालूम है कि काम हुआ नहीं, सारे विषय अधूरे हैं। आज भी दाम की मांग की थी, दाम के लिए कोई उनकी व्यवस्था नहीं है कि कैसे दाम सुनिश्चित, किसान को अपनी मेहनत का फल सुनिश्चित मिलना चाहिए, सरकार के पास कोई योजना नहीं, कोई तैयारी नहीं, कोई मंशा ही नहीं है। एक नौकरी थी जो गांव के बच्चे जिसके प्रति आकर्षित होके जाते थे, कूद के जाते थे, काम बड़े गर्व के साथ जाते थे, वो नौकरी इन्होंने खराब कर दी कि नहीं कर दी? नौकरी नहीं, भाग नहीं, और अस्तित्व का सवाल भी आ गया। क्या किसी ने सोचा था कि आप ट्रॉली पे गांव का आदमी अपने कुनबे के, अपनी महिलाओं को, अपने घर परिवार के लोगों को सवारी नहीं करा सकते? ट्रैक्टर और ट्रॉली पे सवारी पे रोक भी कोई सरकार लगा देगी? आपने देखा अभी परसों की तो बात है, योगी जी किस वाहन पे सवार होके शोभा यात्रा निकाल लेते, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या उनकी शोभा यात्रा पे कोई कार्रवाई पुलिस करेगी? क्या उनके वाहन को सीज करेगी? तो सरकार आपको धमकी दे रही है कि किसान आपकी ट्रॉली भी सीज होगी, 10,000 रुपए का जुर्माना भी होगा। और इसे जुर्माना मत मतलब मानो, ये तो राहत दे रहे हैं। हाँ, आज ही किसान ने किस्सा सुना कि पुलिस वाले ने जब उसे रोका और डंडा चलाया और 2,000 रुपए वसूल लिए, कहा 8,000 रुपए की बचत दे रहा हूं। ये भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के नाम से 8,000 की घोषणा हो जा। जमाने बिल्कुल उलट पलट चल रहे हैं, ऐसे ही चल रहे हैं। तो संभाल लो, इस परिवार को संभाल लो, अपनी ताकत को पहचान लो। आज इस मंच पर आके, चूंकि मुझे वो उनका चेहरा याद आ रहा है, आदरणीय गुलाम मोहम्मद जी को भी मैं श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। यहीं इसी स्थान पे मेरी उनकी आखिरी भेंट हुई थी, और आप सबको देख के मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। लड़ाई जारी रखनी है। इस क्षेत्र का भी एक मुद्दा है जो मेरे संज्ञान में आया, और ये सरकार की वादा खिलाफी का एक जीता जाता उदाहरण है। चुनाव आया, इन्होंने कहा, अमित शाह जी ने कहा, किसान पे बिल नहीं आएगा, एक भी बिल किसान पे आएगा नहीं। अब कह रहे हैं बिजली पे हम कोई राहत किसान को नहीं देंगे, ये वादा खिलाफी तो हुई, ये झूठी तो है। इन्हें रेवड़ी से दिक्कत है, गुड़ शक्कर से दिक्कत है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ है कोई मुजफ्फरनगर में जिसको रेवड़ी खाने से दिक्कत हो? हम तो नहीं मानते। झूठ बोलने से दिक्कत है हमें, परहेज हमें इस बात का है, हमें दिक्कत इस बात से है कि आप झूठ बोलते हो। आपने झूठ बोला बार बार, मोरना मिल के विस्तारीकरण की बात हमारे लोग तो कह ही रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी चुनाव में आए, उन्होंने कहा था कि नहीं कहा था, याद दिला रहा हूं, खुद कहा था, हमारी सरकार बना दो, विस्तारीकरण हम कराएंगे। आज जब हमारे विधायक सवाल पूछते हैं तो सदन की कार्रवाई में लिखित जवाब उनको दिया गया है उनके प्रश्न का, कि मोरने की मिल के विस्तारीकरण की कोई योजना सरकार की नहीं है। तो इस सबका विरोध तो करना पड़ेगा ना। अगर बाबा टिकैत को याद करेंगे
तो कितनी बड़ी ताकत है, उनसे जूझना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा। यही संकल्प लेने आपके बीच आए हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तो इसलिए 19 तारीख 19 अक्टूबर हमने चर्चा की है, अगर आपका मत इसमें साफ हो और आप हमें आशीर्वाद दें तो इसी 19 अक्टूबर को मोरने पे किसान सम्मेलन रखेंगे, बिजली के गन्ने की मिल की सारी बात वहां करेंगे। और आखिर में पद के कोई मायने नहीं होते, ये भी हमें टिकैत जी ने सिखाया, आपकी शक्ति है कि समाज के लिए आप कितना करते हो, लेकिन फिर भी आपके आशीर्वाद से मुझे एक पद मिला है, राज्यसभा में एक सीट मुझे मिली है, यह आपकी देन है और आपका हक मुझ पर बनता है। आज गांव में आया, इससे पहले भी मेरे संज्ञान में गौरव जी खुद लाए थे इस विषय को, मैंने ये तय किया है कि मैं अपनी सारी निधि खेल की सुविधा बनाने में, खेल के निर्माण में दूंगा। हरियाणा वाले तो हमसे बहुत आगे तरक्की कर चुके, उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को भी गाँव में वो सुविधा मिलनी चाहिए, और इसलिए यही पास में गांव है साउटू गांव ऐसा लगता है कोई साउथ इंडिया में नाम होगा, साटू। तो गांव के भी मुझसे मिलके आए हैं, वो चाहते हैं कि वहाँ स्टेडियम का निर्माण हो, जमीन उनके पास है तो उस व्यवस्था को भी दिखाऊंगा। मेरे लिए गौरव की बात है, बागपत के डीएम का अभी मुझसे संपर्क हुआ, मेरी निधि की पहली किस्त बागपत के खाते में जमा हो गई, 2.5 करोड़ आया है, और पहला ही काम यहाँ सिसौली के इस मंच से मैं कह रहा हूँ कि मेरे लिए गर्व की बात होगी, पहली चिट्ठी पहला प्रस्ताव साटू के लिए यहाँ निर्माण में दूंगा। और अब क्योंकि मैं भी यहाँ दूर से आए हैं, सबकी का सम्मान है और सबकी बात सुनने के लिए सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, मैं धन्यवाद देता हूँ इस मंच को कि आपने मुझे अवसर दिया। और हम नारे लेंगे, हाँ जी हो गया,